हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोड टू सक्सेस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की असिस्टेंट कमांडेंट की एडमिट कार्ड के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपने यदि हमारा यूट्यूब चैनल रोड टू सक्सेस को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले पहुँचते रहे। तो फ्रेंड्स, ये इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है फ्रेंड्स। यदि आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप सीधे आप इस पोर्टल पर पहुँच सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करेंगे कि किस तरह से अपने इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का एडमिट कार्ड अपने मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। इसकी स्टेप बाय स्टेप हम फुल प्रोसेस आपको बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर विजिट करना है। तो फ्रेंड्स, इसके हम दूसरी वेबसाइट पर चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका दूसरा लिंक मैं आपको और प्रोवाइड कर दूंगा। ये इंडियन कोस्ट गार्ड की जो है एडमिट कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको फेज डिटेल टू प्रिंट ए एडमिट कार्ड, ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसा आपका ऑप्शन आपको दिखाई देगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ से आपके पास लिंक फॉर प्रिंटिंग ए एडमिट कार्ड असिस्टेंट कमांडेंट 01/2022 बैच इन अवेलेबल फ्रॉम 21 जुलाई 2021 ऑनवर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका एडमिट कार्ड 21 जुलाई से जो है आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, यहाँ से आपका जो भी ईमेल आईडी है या रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है फ्रेंड्स, वो आपको यहाँ पर एंटर करेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ से अपने डेट ऑफ बर्थ आप किस तरह से एंटर करेंगे वो आप यहाँ पर देख लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके लिए आपको यहाँ पर एंटर करना है, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, मान लो आपके जो भी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है फ्रेंड्स, आप वो यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आप इस तरह से अपना मंथ लिखेंगे, देन उसके बाद फ्रेंड्स इस तरह से अपना ईयर जो भी है आपका वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस तरह से आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद फ्रेंड्स, ये जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको आप फिल करेंगे, देन उसके बाद आप यहाँ से गेट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास अपना एडमिट कार्ड जो है फ्रेंड्स यहाँ से आपका शो होगा। अगर फ्रेंड्स यदि आपका एडमिट कार्ड यहाँ से आपको शो नहीं होता तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स आपका एडमिट कार्ड जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि आपका फॉर्म जो है, अगर आपने अपने फॉर्म को फिल करते समय यदि कोई भी गड़बड़ कर दी होगी तो फ्रेंड्स जो है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल शो नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से अपना ईमेल आईडी और अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेने के बाद फ्रेंड्स, मैंने ये कैप्चा को फिल कर दिया। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको अपना एडमिट कार्ड आपको यहाँ पर शो करके दिखाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके लिए आपको यहाँ पर गेट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स, गेट डिटेल वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब फ्रेंड्स, आप यहाँ पर गेट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका जो है एडमिट कार्ड आपको शो होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से अपना एप्लीकेशन नंबर आपको शो करेगा, उसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर रोल नंबर जो भी है आपका वो शो करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ से अपना इंडियन कोस्ट गार्ड डायरेक्टर ऑफ रिक्रूटमेंट C1 नियर इंडस्ट्रियल वैली पब्लिक स्कूल सेक्टर नोएडा उत्तर प्रदेश पिन 2013-01, ठीक है फ्रेंड्स। शेड्यूल 4/2021 टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका एडमिट कार्ड जो है यहाँ से प्रिंट एडमिट कार्ड का ऑप्शन यहाँ से आपको शो करेगा। तो फ्रेंड्स, आपके जो एग्ज़ाम है वो 4/2021 से लेकर के स्टार्ट होने वाले, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपका एग्जाम का टाइम यहाँ पर फ्रेंड्स 8 बजे से होने वाला, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर प्रिंट एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स इस तरह से आपके पास ऑप्शन शो होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, इस तरह से आपके पास अपना एडमिट कार्ड शो होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, यहाँ से अपना नाम, फादर नेम, जो भी अपने अपने एडमिट कार्ड जो भी आपने डिटेल फिल की थी, ठीक है फ्रेंड्स, वो आपको यहाँ पर शो करेगी। अब उसके बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है फ्रेंड्स, अपना एड्रेस जो भी आपको यहाँ से शो करेगा। अब फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है फ्रेंड्स, वो आपको यहाँ पर शो करेगा। अब यहाँ से 4/2021 से आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स, और वो 8 बजे से होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स, वो आपको यहाँ से शो होगा, ठीक है फ्रेंड्स। जो भी आपका एड्रेस होगा, वो जो भी अपना एडमिट कार्ड का जो भी आपके पास टाइम होगा, ठीक है फ्रेंड्स, वो आपको यहाँ पर शो करेगा। अब फ्रेंड्स, जो आपने पोस्ट के लिए अप्लाई किया था वो असिस्टेंट कमांडेंट, ठीक है फ्रेंड्स, वो भी जीडी के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, वो यहाँ पर आपको शो करेगा। फ्रेंड्स, यहाँ से अपने एजुकेशन डिटेल जो भी है आपके पास इस तरह से आपको पास शो करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, इस तरह से आप नीचे करके आओगे तो यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर दिखाई देगा, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, इसको आपको बेटर तरीके से यहाँ से केयरफुली आपको रीड करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, जैसे फ्रेंड्स यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है आपका टाइम जो एग्ज़ाम है, ठीक है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम का टाइम एंड जो भी डेट है उसको आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करना, ठीक है फ्रेंड्स। आपको अपने एडमिट कार्ड पर प्रॉपर तरीके से शो होगा, ठीक है फ्रेंड्स, उसको आपको रीड करके देना, ठीक है फ्रेंड्स, कब आपका एग्ज़ाम होगा, कब आपका एग्ज़ाम का टाइम होगा, ठीक है फ्रेंड्स, वो आपको यहाँ पर
अच्छे से चेकआउट करके जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप फ्रेंड्स उसके लिए अब आपको सेकंड में चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से अपने जो भी आपने फॉर्म फिल करते समय आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिए थे, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आपने अपने ओरिजिनल फोटोग्राफ दिए तो वो फ्रेंड्स आपको यहाँ से फोटोग्राफ लेकर जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर फोटोग्राफ ना ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका फोटोग्राफ बैकग्राउंड यहाँ से आपको ब्लू आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स यहाँ से अब आपके पास सेल्फ अटेस्टेड किए हुए जो फ्रेंड्स आपको यहाँ से एडमिट अपने एडमिट कार्ड की 3 कॉपी ले जानी। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि आपके यहाँ से कलर वाली कॉपी चलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, वो आपको यहाँ से ले जानी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर किए। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी के साथ हमारे साथ बन रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।